अस्सलामु अलैकुम। मजमा ढेरे सलाम दा आवाज घटे, नबिया दे सुल्तान नबी दा फरमाने ना, इंज क्यों ना खां। जनाबे अबू तालिब अलैहिस सलाम दी शराफत भरी झोली च पलन वाली कुल्ले शराफत दा फरमाने। सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजब है। पूरे पाकिस्तान दे विच वाहिद साजदी है जो पाकां दे पाक मिंबर थी। अस्सलामु अलैकुम दे बाद एक तोहफा पेश करदा है, इजाजत फैसलाबाद दा मजमा। दूर दराज तो आए हुए मोमिनीन, जेड़ा मैं ए तोहफा पेश करना, एदी भी एक वजह है। मैं तुहाडे विच आया एक तीसरी ब्रांचों, तां नब्जा चेक करना, नब्जा तोहफा पेश करके। कोई नब्ज बीमार ते नहीं, किसे नू कोई वायरस नवा पुराना ते नहीं लगिया। तोहफा या अली अलैहिस्सलाम मदद। माशाल्लाह सारा मजमा तंदुरुस्त है। हुन जेड़ा सुबह तो लैके हुन तक जाकरीन ने खतीब लोगानी ड्यूटी नौकरा ने नौकरी की थी है। जेड़ी नौकरी किसे नहीं की थी, आज दे हवाले दे नाल अराई प्या करनी चाहता है। मेरे मजमे जो कोई बंदा राजी होवे खुश होवे सैयदजादा, मैं आज दे हवाले दे नाल है गम दा दिहाड़ा, तवज्जो है। पर मैं बाबुल हवाज दी आमद इमाम मूसा काजम अलैहिस्सलाम दी आमद दी मुबारक बात जरूर पेश करनी है। तेरा बाबुल हवाज इमाम अज ओ इमाम आया है जिदे दरवाजे ते हाजत पूरी होंदियां ने। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا من شيعته إلى إبراهيم آل محمد شيو إنج درود بڑھو جمعي الله دے الله دے فرشتے بڑھو بے نہیں ایک ویری پھر جوشیلی سلوات پڑھو زندہ رہو सलामत रहो मवालियो। बानी मजलस मरहूम अल्लाह दिता उसके भाई उसके बेटे मजहर मालिक की कायनात वक्त बुलंद देवे, मरहूम दे दर्जात बुलंद फरमा। मैं आयत पढ़िए अजमत शिजत दी। ये सैयदजादे मुदस्सर शाह झामरे वाले उन्हें कसीदा पढ़िया बादशाह हुसैन दा। मैं जी सैयद ने अच्छा चलो ये आखदा पिया जो बहरहाल मेरे को गलती हुई होसी। मैं जिस वेले दा दरे आले मुहम्मद ते आया है कासमियां दी जुत्ती दा सदका, मैं जिथे पढ़िया है कोशिश की थी है अली दे मलंगा दी अजमत दा कसीदा पढ़ा। सुर मेरे कोल कोई नहीं, ए लाल डब्बियां तो काली डब्बियां वाला आ गया है। इत्थों तो इत्थे सलवात पढ़ मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद।
अपनी कौम अगे मैं हाथ जोड़ के पहले पहले अपील करनी है दो लफ्जों के विच छोटे वड्डिया अगे सईदा की जुत्ती ते मेरा हाथ ही मेरा सारे मौला दे मातमिया अगे मैं हाथ जोड़ी बैठा है। गौर वेखो वक्त वेखो ते डरामे जड़े है इन्हां नूं दूर सट दिओ। मेरी गल तुहानूं कौड़ी लगी है ड्रामेबाजी खत्म। इलम लो इलम ते इलम वाले पासे आओ उस बंदे नूं आउण देवो जिन्हें कुछ किसे कोलों ले आए। मैं फतेह लूम मदरसे दे विच प्रोफेसर लगा रहा है मैं अपना आप नहीं दसना ये जरूर दसना है हजारा नूं छड़िया बारां मनिया है टाइम के अंदर अंदर मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करांगा। हजारा नूं नहीं छड़िया दात तुसां बड़ी दित्ती है मैंबर ते हाथ ते ये स्टेज नहीं बाबा जी तेरी जद दा मैंबर है जिथे जिहड़ा बंदा इत्थे कूड़ बोले उहदे जिड्डा अल्लाह दी कायनात दे विच होर कोई लानत हो ही नहीं सकदा। हाथ हजारा नूं नहीं छड़िया बल्कि बेशमारा नूं छड़िया है। कौम दा राइयां ज्यादा तारफ लम्मा चौड़ा मैं कोई नहीं कराउणा क्योंकि मैं इत्थे पहले कई दफा आ चुके हैं। बस इन्ना जरूर आखना है आया 40 साल बाद आ कसीदे दे उत्ते बड़ी दाद देंदे खड़े हो जिहड़े दाद नहीं देने चाहुंदे वह अपनी जबान दे उत्ते कंट्रोल करन हत्थां ते कंट्रोल करन। मां मैं अज तक कदी ना किसे नूं आख्या नारा सुनाओ ना कदी आख्या हाथ उच्चा ना कदी आख्या वाह वाह जियो पै भला होवे ना 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 मैं भीख ही नहीं मंगदा दाद दी इस वास्ते कि भीख मंगण वालिआं नूं छड्ड के ते सखियां नूं मन्निआ है। मैं 40 साल बाद तुसी चुपो 40 साल बाद आया ये साडा माजी है असी जदों भी इन्हां नूं मन्निया 40 साल बाद ही मन्निया। अल्लाह क्या इन्ना मैंने शिया ते इला इब्राहिम इब्राहिम शिया बड़ी तवज्जो। मैं बहुत बड़ी गुफ्तगू करनी है और थोड़े जे वक्त तेती चक चो चा के अगर मैं अपने मजमे नूं जन्नत च ना लै जां दरे हुसैन ते आउण दा फायदा कोई नहीं। शरत वजो है जन्नत है क्या जी जन्नत है क्या असी जदों उधर सी ना असी आने नमाज पढ़ो जन्नत मिले रोजा रखो जन्नत मिलेगा हज कर जन्नत मिले दरवाजियां पढ़ो जन्नत मिली हर गल हर कम हर फेल जन्नत 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 है क्या जी जिथे हूरा मिलन गया ओए उत्थे हूरे भी मिलने ही। रब्बे कायनात की कसम असल जन्नत नाम है मजलिस हुसैन का। रिसर्च है जिम्मेदार लफ्जों का मैं लफ्जों का जिम्मेदार हाँ। हाँ अल्लाह के इब्राहिम शिया दे विच्चों अल्लाह डायरेक्ट आख सकता सी इब्राहिम शिया साबित यह करना गा कि अल्लाह ने इब्राहिम नू डिग्री या शियत पहले दीती है या नबूवत इमामत पहले दीती है। लो भाई तफसीर सगीर तो लैके तफसीर कबीर तक तस्वीर कबीर तो लैके तस्वीर दुरे मंसूर तक तस्वीर दुरे मंसूर तो लैके तस्वीर कादरी तक तस्वीर कादरी तो लैके तस्वीर बुरहान तक तस्वीर बुरहान तो लैके तस्वीर रूहुल बयान तक तस्वीर रूहुल बयान तो लैके तस्वीर मदारी तक तस्वीर मदारी तो लैके तस्वीर हक्कानी तक तस्वीर हक्कानी तो लैके तस्वीर कुमी तक तस्वीर कुमी तो लैके तस्वीर अस्करी तक तस्वीर अस्करी तो लैके तस्वीर अहले बैत तक तस्वीर अहले बैत तो लैके दलैलुल नबूवत तक दलैलुल नबूवत
لے اور جہل مطالب تک اور جہل مطالب تو لے کے یونبی المغدد تک یونبی المغدد تو لے کے میری پرانی کی ذات کوکب دوری تک کوکب دوری تو لے کے دلال الامامت تک تیر لادا اللہ کیا ابراہیم 70 مسجد بنا کعبہ بنا ابراہیم نبی نے 70 مسجد بنا کے کعبہ بنا کے میری طرف توجہ سجدے چ رکھیا سر کیا ربا بنیتا لک بیتنا و صبرینا مسجدانا پالنے والے تو حکم کیتا ہے میں 70 مسجد بھی بنا دیتی ہے کعبہ بھی بنا دیتا ہے جاگنا میں اپنے مرشد دی دعا دے نال اگلا جملہ آکھنا ہے میں اے دسنا چاہنا میں کیوں شیعہ ہویا تو بھی اپنے آپ کو سمجھ کے میں ہاں کنا دا شیعہ تو شیعہ کہتے کسے ہیں شیعہ کنوں کہندے نے اے حرکت ہاتھ مارن نعرے مارن نو نہ نا مینو حیدر کرار دی جتی دی قسم علی کا شیعہ اسے کہتے ہیں جو کہے وہ ہو جائے علی کا شیعہ ہاں ہاں علی کا شیعہ اسے کہتے ہیں جو کہے جب کہے جس وقت کہے جیسا کہے جس کے لیے کہے وہ ہو جائے کیوں یہ تابع کس کے ہے یہ عطائب کس کی کر رہا ہے یہ مان کس کو رہا ہے اس کا رہبر کون ہے اس کا ہادی کون ہے اس کا مولا کون ہے جو ممبر پہ بیٹھ جا ہو مجمع میں کھڑا ہو کے بدتمیزی کرے تو مولا مسکرا کے فرمائے تجھے شرم نہیں آتی بندوں کے مجمع میں مستور ہو کے علی والا ہو علی والا ابراہیم کیا کہا 70 مسجد بنائی کعبہ بنایا ہے اگر 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 شیعہ دی تفسیر کمی چو نہ وکھا سکا ارائیں دا سینہ ماتمی دی گولی لیکن حسین دا ماتمی بل ہاں رب کائنات دی قسم خالق دا آواز کیا کہ مالک 70 مسجد بنائی ہے کعبہ بنایا آواز آیا لا کل اجرا انی ساڈے اُتے احسان کیتا ہے مزدوری نبوت امامت نہیں دتی اوہو توجہ نہیں پورے مجمع کیتی مزدوری نبوت امامت مالک کم دے کڈا وڈا 70 مسجد سوچو تے صحیح آگ چڑھنی بکری گل ہے 70 مسجد کعبہ کم ایڈا وڈا مزدوری اے تھوڑا جا انعام نہیں دیندا اے تھوڑا جا اضافہ مزدوری دے نال ہم دیکھاں گا کیڑا بندہ ہے جڑا سندا پیا ہے تے کیڑا بندہ ہے جڑا سوچدا پیا ہے سوچن والے دے پلے آنا کچھ نہیں منن والے دے دامن چ جانا کچھ نہیں آواز کبریا ہے ابراہیم 70 مسجد بنا کے کعبہ بنا کے مزدوری لے کے انعام اضافہ انج مانگدا پیا ہے جے میں کوئی تو آشتا تا آشتا تا جا رہی ہے میں نشی جا تے علی مانگ دا انج پیا ہے جے میں کوئی تو علی دے ایک شی یانو ایک پکھے شی یانو ایک ویلے دی روٹی کھوائی ہے جنہیں جو بزرگو
ਨੌਜਵਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨਬੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਬੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੱਕਰ ਆ ਗਿਆ ਚੱਕਰ ਹੈ 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 ਯਾ ਅਲੀ ਇਹ ਦੀਵਾਨੇ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ 70 ਮਸਜਿਦ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਾਬਾ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਯਾ ਅਲੀ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵੀ ਖਸਾਇਆ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਮਾਲਿਕ ਯਾ ਅੱਲਾ 70 ਮਸਜਿਦ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਾਬਾ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 20,000 ਸ਼ੀਆ ਕੀਤਾ 25,000 ਉਹ 20-25,000 ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਗਿਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਸਨ ਇੱਥੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਸਦਾਕਤ ਹੈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨਬੀ ਜਿਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਸਮ ਦਾ ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁਕਤਸਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨਬੀ ਨੇ ਇੰਜੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਹੈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਵਾਂ ਝੋਲੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋਗੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨਬੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਆਖਿਆ ਮਾਲਿਕ ਜਿਸ ਅਲੀ ਦੇ ਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿੰਦੀ ਏਡੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਦਲੈਲੁਲ ਇਮਾਮਤ ਅੱਜ ਤੋਂ 1,150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇਰੇ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਦੀ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇ ਗੈਬਤ ਹੈ ਸੁਗਰਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆ ਓਏ ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਨਕਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਸਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮਾਲਿਕ ਅਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਵੱਜੋ ਬਹੁਤ ਤਵੱਜੋ ਬਹੁਤ ਤਵੱਜੋ 70 ਮਸਜਿਦ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਾਬਾ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਬਰੀ ਆਇਆ ਓ ਇਬਰਾਹਿਮ 70 ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਲਿਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਲੀ ਦੇ ਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਪੈ ਜਾ ਖਵਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਅੱਲਾਹੁਮਾ 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 ਅਰਿਫਨੀ ਮੇਰਾ ਅਲੀਯਨ ਮਾਲਿਕ ਉਸ ਅਲੀ ਦੀ ਮੈਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਉਸ ਅਲੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਫਤ ਕਰਾ ਨਹੀਂ 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 ਮੈਂ ਮੁਤਮਿਨ ਸਾਰੇ ਮਜਮੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਤਮਿਨ ਓਏ ਕੌਣ ਆਖਦਾ ਪਿਆ ਜੱਦੁਲ ਅੰਬੀਆ ਖਲੀਲੁੱਲਾ ਜ਼ਬੀਹੁੱਲਾ ਜੱਦੁਲ ਅੰਬੀਆ ਇਬਰਾਹਿਮ ਪਿਆਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਅਰਿਫਨੀ ਮੈਨੂੰ ਅਲੀ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਕਰਾ ਤੂੰ ਮਾਰਫਤ ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈ ਰੱਖੀ ਆ ਹੈਂ ਅਨਾਤ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤਾਂ ਮਾਰਫਤ ਹੋ ਗਈ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਬੱਲਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮਾਰਫਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਫਤ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅਲੀ ਓਏ ਹੋਏ ਸਜਦੇ ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਲੀ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨਬੀ ਆਖਦਾ ਪਿਆ ਅਰਿਫਨੀ ਮੈਨੂੰ ਅਲੀ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਕਰਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਮਜਮਾ ਬਾਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੱਕ ਹਰ ਆਦਮੀ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਮਜਮੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਉਹ ਅਲੀ ਵਾਲਿਓ ਉਹ ਮਾਤਮੀਓ ਉਹ ਸ਼ੀਆ ਉਹ ਸੁਨੀਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਦੋ ਚੱਕੇ ਦੇ ਮੈਂਡਕ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਅਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਲਵਾਤ ਪੜ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਮੁਹੰਮਦ ਯੇ ਫਿਰ ਆਪਕੋ ਕਭੀ ਬਤਾਊਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਤਨਾ ਹੀ ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਮੇਂ ਬੈਠੇ ਹੈ ਅਲੀ ਨਾ ਇੰਜ ਨੇ ਆਖਾ ਬਾਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ
कौन बैठे हैं? खूने अबू तालिब की शराफत अली। सामने कौन है? मादने नबुवत सैयदा जहरा। मैं अली पाड़े नालो अजमत च बुलंदा। तुसा आख्या मैं इस पासे गया, वरना ना जुमला सुन लो दो मिनट का। बीबी आख्या क्यों नहीं जा दी? मैं ओ जहरा जिदी आमद ते कुल्ले नबूवत उठ के खड़ी हो जाती, लेकिन उस खालक ने अपनी कनीज दी तैं अली दी जुत्ती साफ करने ली ड्यूटी लाई है। अगो मौला मुस्करा के फरमाउंदे, जहरा मैं जाती अजमत की गल कर रहा, रिश्ते नाते दी नाल नहीं। हुण बीबी अगे कोई आम नहीं, यारा इमामा दी माई। पेशानी ते दे के बोसा। मुस्करा के फरमाउंदे ने, या अली हुण अपनी जाती अजमत पेश करो ना। जहरा अगर 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 मुसलमाना ने आलम दिया 55 किताबों चो अराई साबित न कर सके, तेल मेरे बेटे चौथा मैं खून माफ। हाँ 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 हुन ते अपने भटक गए ने। मौला अली मुस्करा के फरमाते, जहरा मैं वो हूं जो 40 दिन तक आदम की मिट्टी को अपने हाथों से तैयार करता रहा। यानी आदम को, ये आदम को बनाता रहा। जो आख्या ना, मैं अली आदम नु 40 दिहाड़े खमीर कर दे। सामने बीबी ने मुस्कुरा के आख्या कि हुण अल्लाह जाने केड़ा बंदा जुमला समझेगा केड़ा नहीं समझेगा, जिस लैके मैं 40 दिहाड़े आदम नु तैयार करता रहा। बीबी मुस्कुरा के आख्या, बस या अली। ओए होए 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 हाय 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 आ भाग रहा। बस या अली जदों आदम बनिया सी, तुसी ते इलम रखदे हो, तुसी ते बाबुल इलम हो। कल्ला आदम को बनिया सी, नाल होर भी बनदा रहा है। तुसी 40 दिहाड़े आदम नू बनाउंदे रहे हो, मैं हव्वा नू बनाउंदी रही हां। अर्रफनी मैनू अली दी मार्फत कराया। आखिरी जुमले अराइंदा सलाम। मैनू अली दी एक बारी सारे बोलो, मैनू अली दी सारे बोलोगे तो अगली गल करनी है, नहीं तो इत्थे ही बैठा रहना सैयद सरदार, ते तराजियां तुहानू पढ़ावांगा, नहीं ते असला तो खैर मैनू नौम दा तो टाइम आ जाएगा। मैं उधरों आया, इधर 6-6 घंटे पढ़ता रहना ते अगों ते जे किसी की अख खोल जानी असी भावें ढोले पढ़ते होने ना कि सुभान अल्लाह। जिधर मसैब च भी सुबहान अल्लाह, खुशी च भी तवज्जो है जी। मैनू अली दी मार्फत करा। अगर हदीसे कुदसी ना होवे अराई दी सदा खोली, अपना अकीदा दुरुस्त कर, अपने आप अली वाला बनाए। अली वाला हदीसे कुदसी आवाज किबरी आया, तैनू इब्राहिम दी मार्फत करा दा या अली बैठा बखा दा। ये तो तेरी करीमी है गलो चिमां वाला सैयदा, तेरे को दुआ लैके मैं अगला जुमला आखना। मेरा जुमला होवे, कोई दार नहीं कोई दुआ नहीं, नारा चुप। ते जे डिठा होवे इब्राहिम आख्या होवे अल्लाह, फिर तू ना बोले, तू जाने अल्लाह जाने इब्राहिम जाने। आवाज किबरी आया, इरफा रासे का, इरफा रासे का नहवल अरश सरचा मेरे अरश ते जाती पा,
चादरे सज्जदा दी कसम, नलैने जहरा दी कसम, तरवारे हैदरे करार दी कसम, अंजील दी कसम, तौरात दी कसम, जबूर दी कसम, अल्लाह दे कुरान दी कसम, जे मुझे इब्राहिम नबी ने सजदे च सर चाया अल्लाह दे रहते अबू तालिब दा पुत्र अली नजर आया। अबू तालिब दा पुत्र मौला अली नजर आए, इब्राहिम वेख के आख्या मौला ए पेशानी चो नूर जिदे चो निकल रहा है ना, पक लग गया एहो यारा इमामा दा बाबा अली है, हुण मैं तेरा इम्तहान लेना। आ 20-25 मिनट लिया तू ते 2 सेकंड मैं भी ते लै सकना समझाउण वास्ते। ए अल्लाह दा अर्श ए बैठे ने काबे च आउण वाले नहीं, ऐनुल्लाह असदुल्लाह वजहुल्लाह इब्राहिम आख्या अली इहदे आले दुआले अनगिनत रूहां, तवज्जो मैं तेरा इम्तहान लैना इत्थे। ए अनगिनत रूहां ए कौन ने इंज तवाफ कर दिया जिवें हाजी काबे दा, ये रूहां कौन ने दसो तुसी वो केड़ियां रूहां ने। मैनू पानी पिया तो मैं एक दूसरे नाल मशवरा कर लें, मैं पानी से जान बुझ के पे पींदा जे बोलो ओ रूमा कौन जी 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 एक सैयद है जिन्हां दा शिया ने ओही फरमेंदे पै जा पिछों मेरे मुर्शद ए अनगिनत रूहां आवाज़े तो ही दाया हाउलाई शिया ते अली ने इब्राहिम ए होई ते अली दे शिया ही ए अली दे शिया खालक। बस भाई अद्धे मिनट दा खालिक इन्हां रूहां दी तखलीक दी वजह बाइस नोट कर नोट। आवाज़े किबरिया सुम्मा आदर रहो मल्ला हो, तू मेरा जवाब दे ही नहीं सकता अगर तेरे से सवाल करा, लेकिन सुन ले अपनी रूह की तकलीक का बायस जो अली दा शिया है। शिया ता ना शिया बन, शिया बन चिया ना बन, शिया अली दा बन फिर तेरी रूह दा मुकाम कितना बुलंद है। सुम्मा आदर रहो मल्ला हो अयत नफसा, जितने मुहम्मद हो अली ने साल है उन्हें अली दे शिया दिया रूह तखलीक हो गया। ओ दो हस्तियां दी सां दा नतीजा ए हथ बदी खड़ा है, ए मेरे सारे अगे नकीबे मिंबर तो लैके आखिरी आदमी तक हथ बदे आ। मैनू बेशक सारी जिंदगी ना सदिया जे, मेरी शक्ल भुल जायो, मेरी कौम भुल जायो, मेरिया गुफ्तगुआं तकरीरां भुल जायो, दो गल्लां ना भुलिया जे, क्योंकि तुसी दो हस्तियां दी सां दा नतीजा हो। मैं हथ बदी खड़ा कुरान दा वास्ता दो गल्लां ना भुलिया केड़ियां, एक रसूल दी धी दा पहले दरबार च जाना, जज़ाकअल्लाह सैयदा तुहाडे ते राज़ी हो, एक नबी अल्लाह दी धी दा पहले दरबार च जाना जी, मैं नौकर बिया मौला अली दी धी दा बाजार च जाना, बीबी प्यू दे सहाबिया दे दरबार च गई है अली दीदी शराबिया दे बाबा। और शरीफ हो जड़ी बीबी पहले गई है ना पहले दरबार च, मैनु उस दरबार ने शिया किया जे। हाँ वो किरदार दस इन्हों का अदब दे दायरे च रह के गाली गलूज ना कर, हक दस हक जी। मैं नौकर नौजवान मातमी आजादारो रोंदी हुई अखी ना लग जुमले अगले सुन लो, मैं थोड़े नौकर हाँ मेरे को इतना टाइम नहीं। ए हथ बदे ने पहले दरबार च बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 आम रावी नहीं मर्द रावी नहीं
रावी मस्तूर है रसूल दी सौजाए। ओ बीबी आखदी है पहले दरबार च रसूल दी धी गई है। अगला जुमला जे आखो तो मैं तारीख दा आखा मर जावा ना जुमला पढ़ा। ए ओ बीबी है जी दी आमद रसूल उठ के खड़ पाउंदा ही मैनू कुरान दी कसम है पूरे 3 घंटे खलोती रही है। हुण कर ना मातम तेरी अपनी मर्जी आ पूरे 3 घंटे खलोती रही है। कह नहीं आख्या मुहम्मद दी धी जमीन ओ शरीफो आजादारो पूरे 3 घंटे बाद बादशाह वक्त दा केने आई है। शरीफ खानदान दी नूहा बड़े आहस्ता जा दे तुहाडे कोल कुछ नहीं मंगन आई मैं ते अपने प्यू दा दिता हक मंगन आई हां। झुट लाया सो गवाह पेश कीते ने ए आदा तेरे अपने गवाह ने। बस भाई मैं अगले जुमले नहीं पढ़दा यो यादा गई पर्दे चे वली पर्दे चे मेरे साथे कुरान मिंबर दी अजमत दी कसम है सैयदादा तू बैरुल मुसैब है पर मैनू अजमत सैयदा दी कसम है जिदो बीबी दरबार गई है तेरे मातम वास्ते इयो जुमला काफी है जिदो बीबी दरबार गई है एक वाल चिट्टा नहीं जिदो वली है एक वाल काला नहीं रहा सिद्धी अपने मसले से बैठी है सकी दी आदि ज़ईफा पहचान मातम कर तेरे मदद के मातम जैसे हालो मेरे अल्लाह सकी दी आदि है ज़ईफा उठी ये कोई हम मसला है ये तो मेरी माँ ज़हरा दा बीबी चेहरे तो वाल हटा के धी वल वेख्या दी घर दी चार दुवारी है पहचान मैं वो तेरी माँ ज़हरा रो के आदि हक ना मिलन तो बीबी आदि नहीं तेरे मात वास्ते आखिरी लफ्ज़ी रो के बीबी आदि नहीं मैं दरबार दे हालात देख आई हाँ मैंने दरबार दे हालात दस दिता है ना हुन मेरा हुसैन बचना है ना तेरी चादर।